everyone. I'm from Art Raga. Today I'm going to, you need to catch up with the artist. He's a renowned world artist. His name is Krishna Kanhai. So please come to the gallery. It's called Nanjit Khemkar Gallery. He's exhibited his work, and his work is in Parliament also. He is renowned. Let's see the work of Mr. Kanhai. जैसे कि आपके फादर जो आर्टिस्ट हैं कुछ बनते थे, और जैसे कि आपको एक प्रेशर भी पड़ता था कि मेरे फादर इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, एंड बहुत प्रेशर पड़ता था, मुझे एक
वो चेयर पे बैठते थे, मैं वहाँ जमीन पे बैठता था, जिन्हें वो छोटी थी, तो वो बोलते थे कृष्णा क्या बनाया दिखा, वो मेरे हाथ मापते थे कि क्या बोलेंगे क्या कमेंट करेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया बारीकियाँ सिखाई और वो सीखते सीखते जब मैं पेंटिंग बनाया गया और वक्त आने लगी, तो एक पेंटिंग को देखकर तो वो बोले कृष्णा जाने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई, तो कुछ भी मांग उनसे, ये मांग था क्या घर के हाथ अच्छे नहीं थे, बड़ा बेटा था, पैसे सारे मेरे सामने थी, तो मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, बस काम करता था। मेरे पिताजी कहा तो मौसमी है, उनका जन्म कलकत्ते में हुआ था और रियल मदर उनकी मदर थी, वो दो साल की उम्र में जैसे हो गई थी, सोचरी माँ घर में आ गई थी, वो मारना पीटना खाना नहीं देना वो सब नहीं चलती थी। उनके जो मामा थे वो 10 साल की उम्र में उनको उनसा से गई थी, वो छत्तीसगढ़ रायगढ़ में जो आजकल छत्तीसगढ़ में आगे उत्तर प्रदेश में था, वो रायगढ़ में वो उनसा करते थे, उनका वहाँ सराफे का काम था दुकान बैठो। उनकी दोस्ती वहाँ के महाराज के साथ थी, जो उनका नाम था जनदर्शी, वो फेमस राजा थे, तो महल में अक्सर उनके मिलने जाते थे, तो वो छोटे एक रैया को तो बाद में कन्हाई बन गए, वो साथ में ले जाते थे, वहाँ एक गुजराती आर्टिस्ट काम करते थे पेंटिंग करते थे मिस्टर आनंदलाल जानी, तो जानी साहब काम करके देखते हो 10-12 साल बच्चे ने गाली मैं सीखना चाहता हूँ मेरे पापा, तो रिक्वेस्ट करी जानी साहब से, जानी साहब को उसी 82 वर्ष 82 ईयर्स को, उनका बच्चा है भेज दिया करो, तो बुला लिया उन्होंने। अब वहाँ करते क्या थे, गुरु साफ करते थे, पेट साफ करते थे, गुरु जी के पैर दबाते थे, उनके लिए खाना बनाए देते थे, सेवा करी उनकी, और फिर रात को आप घर में काम किया करते थे, तो उस तरह से उन्होंने काम सीखा सेवा करके। और जो पहली पेंटिंग उनकी बनाने दिखाई तो बहुत खुश हुए, उन्होंने इतनी बढ़िया काम किया। 18-19 साल की उम्र में शादी हो गई, शादी के बाद में दूसरे दिन हमारे मामा जी की जो मामा जी थे उन्होंने 5 किलो चावल दे के उनको रख कर दिया, बैठ जाओ खाओ, पैसे नहीं थे, माँ को बीए छोड़ा और खुद कुछ करने की खान कर वो बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में फिल्मों का बड़ा शौक था उनका, यही जो फिल्म नगरी है मैंने देखती है, मैं अपनी रस्ते है नहीं, मैंने चार में रहे फुटपाथों पर सोए भूखे रहे, एक दिन समुद्र का पानी पिया, पैसे दीजिए, एक पेंटिंग बनाई उन्होंने महात्मा गांधी वो दिखाई दूरदर्शन किसी ये थ्रू, बुद्ध जी ने वो पेंटिंग देखी और पेंटिंग देखी बोले कि आप हमारे साथ काम करेंगे, आर्ट डायरेक्टर, तो उन्होंने प्यासा जब पढ़ रही थी तो उन्होंने असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के रूप में वहाँ काम किया, बहुत फेमस थी और बहुत अच्छी फिल्म थी। उसके बाद में उनकी इच्छा हुई कि मैं हूँ हिंदुस्तान, एक फिल्म उनको दी गई गौरी जिसकी बंगला में और हिंदी मंत्री करते हैं, 15 दिन के बाद पत्नी जी दो मंदिर के बाद पहुँचा था, ये पूरा हिंदुस्तान बुद्ध बुद्ध वृंदावन आए वृंदावन से वहाँ बुद्ध जी की तरह उनकी पत्नी जो हीरोइन थी मैं झगड़ा वगैरह हो रहे यूनिट वापस चली गई बॉम्बे, ये बोले मैं बॉम्बे नहीं जाता, वहाँ से मुझे वृंदावन चले गए 25 साल की उम्र में, तो तब से यहाँ आकर उन्होंने शुरू में पोर्ट्रेट बनाए इंदिरा जी के, इंदिर जी के, शास्त्री जी के वो बनाए, फिर उन्होंने कृष्ण की पेंटिंग बनाना शुरू किया कि कृष्ण को सुंदर कैसे बनाया जाए, तो फिर ये भी जब सुने का नमो का ये सब उन्होंने डिवाइड किया, फिर मैं जुड़ गया बता रहा सर, जैसे कि मैंने सुना इसमें कोई शर्त नहीं है, कृष्ण की भक्ति करने पर कृष्ण को अपना बनाने पर कृष्ण से प्यार करने पर वो सभी की जैसे कि हम आपकी देख रेख करें तो आप अपनी देख रेख करोगे, कृष्ण ने कहा तुम ये जरा सा दे 1% दे बल्कि 100% होगा, और दूसरे हम कृष्ण का जो चरित्र है वो किसी भी आर्टिस्ट को रुमाता है, आप देखिए ना जितने भी क्लासिकल सिंगर हो गए सब कृष्ण को गाया है, जितने क्लासिकल डांसर हुए हैं सबने कृष्ण के लिए नाचा है, जितने अच्छे राइटर हुए हैं सबने कृष्ण के लिए लिखा है, मीरा देखो, सूर देखो, बिहारी देखो, सबने कृष्ण के लिए, चेतन महापुरुष देखो, अपने जयदेव जी देखो, सबने कृष्ण के लिए किया है, कला ही कला जो है वो कृष्ण पर ही पूर्ण होती है, जिसने कृष्ण को बना दिया या सिखा दिया जिसने बजा दिया वही कला। जैसे कि आपके पापा ने आपने जो पेंटिंग कृष्ण जी को
सर्व कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड को अपने अपने आर्ट को कृष्ण जी का मैसेज भेज रहे जो काइंडनेस लव पीस को जो फॉलो कर रहे हैं मतलब आपको कैसा फील होता है जब आप जैसे सर फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ रही हूँ पेंटिंग बनाते हो स्टार्टिंग में आपको कैसा लगता है कि कृष्ण जी आपको गाइड कर रहे हैं मुझे ऐसे बनाना है ऐसे करना सोते जाते हमेशा कृष्ण ही याद आते हैं और पेंटिंग याद आती है तो सुंदर कैसे बनाया जाए प्रेरणा मिलती है कि ये कलर कॉम्बिनेशन हो ये भाव हो कुछ हमने पढ़ा भी है यदि जी को भी इसमें भागवत को सूरदास को गहरी को उन्होंने जो कल्पना करके लिखा है हमको उन्होंने लिखा है और क्या क्या भाव होने चाहिए अगर उन्होंने मापन कराया तो भाव कैसे होने चाहिए अगर वो महाराज में है तो भाव कैसे होने चाहिए तो वो सब कल्पनाएँ करके पढ़कर सब जाकर एक रचना होती है चंचल का चेहरे बनानी चाहिए कुछ बनाना चाहिए आप ये यकीन मानिए कि कोशिश करने से बहुत मेहनत करने से आप बारीक काम तो कर सकते हो लेकिन कोशिश करने से भाव नहीं आ सकता चेहरे के जो एक्सप्रेशन हैं उसी कृपा से आते हैं मेरा 100% ये मानना है कि बिना कृपा के भाव आ ही नहीं सकता मंत्रमुग्ध हो जाए वाह आपके आंखें फटी रह जाए और वो खुला रह जाए वो ये देखो ना अगर अगर संगीत में कर्ण भी ये नहीं तो आप कानों को अच्छा नहीं लगेगा इसी तरह आंखों को तो आंखों को प्यास कम हो जाएगा सुंदरता हो जाती है या नेचर को या पेंटिंग देखो ना ये तो कृपा है ये काम तो बिना कृपा के नहीं होता अभ्यास से नहीं होता ये कृपा चाहिए बहुत आपने बहुत किस्म की पेंटिंग देखी होंगी अक्सर किताबों हो सकती हैं अक्सर नकीर हो सकती हैं लेकिन भाव किसी किसी पेंटिंग में होते हैं एक्सप्रेशन किसी किसी पेंटिंग में अब जैसे ये पेंटिंग देखी मेरी कितने सुंदर भाव है क्या चंचलता है चेहरे का क्या मुस्कुराहट है वो चीज ही नहीं है ये बिना कृपा का प्रैक्टिस करने से देखिए अभ्यास अलग चीज है साधना अलग चीज है ये साधना है आप अभ्यास करके बारे काम करते हैं जैसे कि कश्मीर के लोग अपने सोलह में कितना बारे काम करते हैं कुछ लोग जवान में भी पेंटिंग करते हैं कितनी बारे काम करते हैं वो चीज अलग है वो अभ्यास का है ये साधना है ये भक्ति है ये समर्पण है जब आप कहते हो कृष्ण गुरु जी में आपका समर्पण हो आप हजार हो तब वो भाव आते हैं तब उनकी कृपा होती है विद्वान में और भक्त में फर्क होता है विद्वान तर्क करता है ये सही है गलत है ये सही है भक्त तर्क नहीं करता वो कहता है तू सब कुछ है तेरे समर्पण तभी वो होता है तभी कृष्ण मिलते हैं आप मीरा को देख लो सूरदास को देख लो तुलसीदास को देख लो चेतन महापुरुष को देख लो सब ने समर्पण किया है तर्क भी किया तो जिन जिन्होंने तर्क किया है विद्वान जरूर हुए उनका नाम हुआ उनका शंकराचार्य जैसे शंकराचार्य ने भी अंतर कहा है कि तू ही तू है लेकिन जो भक्तों ने किया है वो भक्त ही कृष्ण को पा पाए वो भक्त ही कृष्ण में सुना पाए बहुत सिंपल बता रहा हूँ मीरा को देखो वो द्वारका में समा गई चेतन महापुरुष को देखो वो भक्ति में जगन्नाथपुरी में समा गए तुकाराम जी को देखो सूरदास जी को देखो कबीर को देखो सोए फूल मिले शरीर नहीं मिला ये क्या है कि ये समर्पण ही था भक्ति जो थी हम आत्मा गांधी मैं 2017 आई थी लखनऊ के लिए लखनऊ विधानसभा के वहाँ लखनऊ विधानसभा सदर के अंदर रही मैंने अभी अपने ग्रामीण जिंदगी बनाई थी और साथ में बनाया था मैंने हमारे जो पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल संघ और वो पेंटिंग मैंने गिफ्ट की थी प्रधानमंत्री को और उन्होंने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी
ये काम करते हुए 46 साल हो गए, 46 साल आपको बहुत सवाल बोल रहा हूँ। हाँ मेरे बेटे भी हैं, अभी वो छोटे बेटे वो ये करते हैं, वो थोड़ा कॉन्टेक्ट में बोला करते हैं। सबका अपना तरीका है, स्टाइल है। अवार्ड्स दो हज़ार में सर 2000 मेरे फादर को मिला था, तो रकम मुझे ही मिली है। अंदर एक बड़ी रूह सी उठती थी, एक 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 आग से लगती थी कि यार बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, शायद 10-20 साल के बाद मेरा नंबर आ जाए। लेकिन मेरे को कृपा रही 2004 में मुझे मिला, फिर मुझे 2009-10 में मुझे तो प्रेस करने का दिया सम्मान दिया। पद्मश्री एक ही परिवार में फादर एंड सन को दोनों ये अवार्ड मिले, ये बहुत रही है, बहुत कम लोगों को। इसने बहुत अवार्ड मिले, अवार्ड मिलना एक तरीके से आपको तो तारीफ करता है, तो सम्मानित करता है, तो आपको तो बोझ पड़ता है, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, आपको और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। और वही मैंने किया भी है, मेरी कोशिश तो रही है कि मुझे 2004 में मैंने और मेहनत करी और काम किया और जो है वो आप करण कॉम्बिनेशन भाव ये सब का एक सामंजस्य जो होता है ना, ये बड़ी मुश्किल से होता है। वो भी बहुत पेंट है जो आपने हाँ वो बोल मैंने 2002 में सर 2002 में तो मैंने फिलीपींस और हॉन्गकॉन्ग में किया था, उसके बाद 2015 में लखनऊ दो सौ किए थे नजर पार्क के डेस्टिनेशन में होटल का। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, वहाँ ज़्यादा बैठिंग नहीं थी लेकिन भी अच्छा था। मान लिया होटल बड़े सही थे। अपकमिंग जितने भी आर्टिस्ट हैं मैं देखता हूँ उनका काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत से भी कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस की कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको सक्सेस चाहिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप 2 साल तक कोर्स करके पेंटिंग तो बना सकते हो, लेकिन सफलता 2 साल में बहुत अच्छी नहीं आएगी, आपको साधना करनी पड़ेगी। क्लासिकल सिंगर की तरह, क्लासिकल डांसर की तरह, फाइन आर्ट के आर्टिस्ट की तरह, आप किसी भी आर्टिस्ट को देखो 60-70 साल के बाद में उसका नाम हुआ है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को मानना पड़ेगा, आप उसको रियाज करना पड़ेगा, तब जाके जरा सा होगा आप कर सकते हैं। ऐसे हाथ हैं, आज चलने के भी तरीके होते हैं, जरा चलने जरा चलते हैं, तब भी चलते हैं, जरा का ही तो फर्क होता है। वो अभ्यास होना, वो साधना करना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई छोड़ पड़ेगा। मैं रोज 11 से 6 बजे तक 2 घंटे 6 बजे तक शाम छः बजे तक अपने हाथ में इतना काम होता है, उस हिसाब से 7 बजे जाते हैं लोगों की बिना उसके जितने ये सब इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग। थैंक यू सो मच, आपका बहुत ही मच में।